आज का शो बहुत अच्छा है, रीजन इज बिकॉज कि आपकी बढ़ती हुई उम्र को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये तरकीब है झाइयां दूर करने की। और इसमें हम दो से तीन कैप्सूल डालेंगे विटामिन ई के। दो टीस्पून आपने इसके अंदर समंदरी झाग डाला है। अच्छी सेहत का होना बहुत जरूरी है और अच्छी सेहत के लिए जड़ी बूटियों का होना बेतहाशा जरूरी है। दुनिया में अगर आप यूरोप में इधर देखते हैं तो लोग अब वापस नेचुरल की तरफ आ रहे हैं। ये हमारे साथ यही मसला है। अच्छा मुझे बताइए कि वैसे फेशियल बहुत एक्सपेंसिव होता है। हमारा 2000 से शुरू होकर 4000 पे फेशियल ही खत्म होना। अच्छा तो क्या ये लगाने से हेयर फॉलिंग कम हो जाती है? हेयर फॉल कम होता है प्लस जो बाल थिन हो जाते हैं बारीक। प्रीमियम रोज जो है ये 6 लाख रुपए लीटर है। ग्रेपफ्रूट ये तमाम की तमाम चीजें यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारी मिरेकल चीजें बनाना सिखा रहे हैं। पानी में आप 1 किलो अमरूद काट के और इसको उबालने को। अच्छा और ये कितना डालना है? 3 लग। ये अमरूद का जाम है। सब आज आप हमें बताने क्या जा रहे हैं? पहले बड़ा चमकता है, पहले बड़ा ही चमकता है, आपको लगता है कि बस क्या हो गया, लाइटें जल गईं, और 2-3 महीने के बाद वो बिल्कुल बुझ जाता है। There's a ring there. Oh nice. कुछ है? डॉक्टर साहब आप हैरान हैं, मैं ये शाम में काम नहीं करता इसका, मुझे मालूम नहीं है यार। दुल्हन किस तरह से हसीन तरीन लग सकती है? इसमें जो चीजें हैं वो स्किन को टाइटनिंग भी देंगे, व्हाइटनिंग भी देंगे। आप बिल्कुल लाइट मेकअप कर सकते हैं लेकिन अमूमन इट डिपेंड्स ऑन द क्लोथ्स। मैं 2016 की सुबह आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। 2016 का पाकिस्तान कैसे होगा? कुछ अच्छी बातें ये है कि फाइनेंशियली थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा पाकिस्तान में, इकोनॉमी में थोड़ी सी बेहतरी आएगी। मकान खरीदने के लिए सबसे अच्छा साल को सबसे अच्छा महीना कौन सा होगा? जब पैसे हो। आगा साहब आज आप क्या बनाने जा रहे हैं? एक ऐसी दवा
जो डबल चिन को खत्म कर दे और चेहरे पर शादाबी लाए। एक ऐसी दवा जो डबल चिन को खत्म कर देगी, इसको बढ़ा दें, सबने करना है, यही जो बज रहा है। ला 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 क्या बात है। और ये आ गए तुम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, आ गए तुम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, कर ली ज़हमत दवा रा, बहुत शुक्रिया, मेरे बाहों के घर में कयाम करो, मेरे बाहों के घर में कयाम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, ला 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 ला, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। आज आज मैंने सोचा है कि आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप लोगों को कंटेंट से भरपूर शो दें आज। उसका रीज़न ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो जाहिर है वो बिल्कुल चेंज हो जाए और बातिन जो है वो उससे ज़्यादा चेंज हो जाए और बहुत हसीन हो जाए। आप लोग वैसे ही बहुत हसीन हैं। या देयर यू गो, दैट्स इट। लेकिन दांतों का बड़ा मसला होता है जी, बहुत बड़ा मसला होता है दांतों का। और इवन दो के लोग बड़े बड़े मूवी स्टार होते हैं, मॉर्निंग शो होस्ट कर रहे होते हैं, उनकी भी डबल चिन का मसला होता है। जब कैमरा ऐसे करके आता है तो डायरेक्टर आपको कहता है कि ठहर जाएं आप, एक मिनट जरा सा भाई ऐसा जरा साइड पोज दीजिएगा, तो यूं करके वो जूम करते फिर वो साइड पोज दिया जाता है, फिर वो शॉट को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। तो डबल चिन का बड़ा बड़ा इशू होता है, नो मैटर कि आपका वेट कैसा भी हो, डबल चिन हमेशा बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। तो आज हम दो चीज़ों के बारे में मेनली बात कर रहे हैं। आज हम दांतों को सफ़ेद चमकदार, क्योंकि दांत आपकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। आपके आपके जो दांत होते हैं, अगर वो सफ़ेद हैं, चमकदार हैं, उसमें मैल नहीं है, निकोटीन की तह नहीं जमी हुई है, चाय कॉफ़ी, कुछ लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं लेकिन फिर वो ब्रश भी उसी तरह से करते हैं, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट। लेकिन 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 डबल चिन जो है उसका भी बहुत बड़ा मसला होता है। तो ये दो मसलों के बारे में हम आज बात करेंगे। साथ साथ डॉक्टर खुर्रम आज लाइव इंजेक्शन लगा के आपके चेहरे की लाइन्स को दूर करेंगे। ये शो ऐसा ही है, आप में से अगर कोई चाहता है कि उसके चेहरे की लाइंस दूर हो जाएं तो आज उनको ये इंजेक्शंस फ्री लगेंगे। आप घर जाएंगे तो लोग आपको पहचानेंगे ही नहीं, आप घर जाएंगे तो आपके अपने हस्बैंड कहेंगे बहन आप कौन। एनीवे मेरी बेगम घर पे नहीं है एक्चुअली, वो गई थी वापस आई है तो गोद में। नेवर माइंड। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों ऐसा, क्यों ठीक क्यों है, मतलब कोई जरूरी है? कभी कभी बंदा ऐसे पूछता ना, को पूछा यार कैसे, यार बहुत बुरा हूँ यार, सही बता रहा हूँ, दिल चाह रहा होता है इंसान का, मैं बहुत बुरा हूँ, बिजली का बिल आ गया है, गैस का बिल आ गया, मालिक मकान तंग कर रहा है, बच्चे अजीब से हैं, घर में जाता हूँ दिल जाता बीवी को जान से मार दूँ, कितना सारी चीज़ें। बट यू नो वो बोलता कुछ नहीं, वो बोलते से हाँ बहुत अच्छा यार एकदम सही हूँ। आप कैसे? किसी ने पूछा हाँ कि तुम्हारे घर खैरियत, कहेंगे खैरियतों के कम वक्तों के, मेरे तो पाँच बच्चे। अच्छा वैसे वैसे अच्छी बात है, बच्चे अल्लाह की नेमत होते हैं और अपने हो तो बहुत ज़्यादा नेमत होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा नेमत होते हैं यार बच्चे, मतलब आपके साथ जो बच्चे कर सकते हैं दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अच्छा भला आदमी होता है, अजीब अजीब शक्ल में
सीरियसली जो बच्चे कर सकते दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अच्छा ये बताइए आज ये जो मिरेकल पाउडर आप बनाने जा रही हैं क्या इससे पहली मर्तबा ही साफ हो जाएंगे दांत? पहली मर्तबा ही रिजल्ट आएगा और ये ऐसा पाउडर है कि ना सिर्फ ये के दांतों को बहुत खूबसूरत चमकीला कर देगा बल्कि दांतों की और जो हमारे गम्स की प्रॉब्लम है अक्सर स्वेलिंग होती है या खून आ रहा होता है या बदबूदार सांसें, असल प्रॉब्लम है कि जब आप किसी से बात करते हैं जो होता है उसको भी दूर करेगा कि इंसान की पूरी शख्सियत इस मुंह के अंदर पिना है। सही बात। जब इंसान मुंह खोलता है यही तो वजह है कि ड्रैकुला की कोई शख्सियत नहीं क्योंकि उसके दांत ही बहुत अजीब है जी वो लंबे लंबे वैसे तो अच्छा आप लोगों को एक सवाल है बीवी और ड्रैकुला में फर्क क्या है बताएं। ड्रैकुला ड्रैकुला एक बार खून पीता है उसके बाद वो अपने शिकार को छोड़ देता है लेकिन वो आपने वो लतीफा नहीं सुना, किसी ने मुझे एक जोक भेजा था कि बेगम अपने हस्बैंड से कहती हैं आपने तो नहीं बताया था कि आप सिगरेट भी पीते हैं, तो कहता है तूने बताया था तू खून पीती है। टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं सर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बोल, नसीबा बोल रही हैं? जी थैंक यू, आपने पहचान लिया? नहीं नहीं सामने लिखा हुआ है। अच्छा जी कैसी है नसीबा, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आपके प्रोग्राम की बहुत ज्यादा तारीफ करनी थी भाई। थैंक यू। आपने 2015 में जो कारनामे अंजाम दिए मैंने तमाम रिकॉर्ड अपने पास रखे हुए। अरे वाह, तमाम प्रोग्राम से आप ये चीज सीखी है यार, आपके प्रोग्राम में कौन सी अच्छी बात कह रहे हैं? हर मॉर्निंग प्रोग्राम्स मैं देखती हूँ बहुत सारे, लेकिन उसमें वही आम जिंदगी के जो रूटीन होते हैं उसी पे टॉपिक पे बात करते हैं। अब देख ले आज जो मैंने आज जो मैंने अच्छी बात की है वो कितनी अच्छी बात की है। ये ड्रैकुला की गलत बात और ये कहना चाहूंगी कि जितने कारनामे जितने झंडे मेरे ख्याल से सामान्य गाड़े हैं इस 2015 में मेरे ख्याल से किसी चैनल नहीं गाड़े। बहुत बहुत, हर छोटे से छोटे इशू हर बड़े से बड़े इशू जैसे मून गार्डन सानिया पेशावर और क्या कहते हैं सना और वो जो एक और बच्ची थी जिनके ड्रग्स का मसला था उसके लिए अमन और समन और फिर जी स्कूल की फीस का मसला भाई स्कूल स्कूल की फीसेस का मसला जी इतने सारे कारनामे मेरे पास तमाम चीजें मैं हर शो से आप शो इसलिए नहीं देखती कि आप गिफ्ट यार एक मिनट नसीबा एक मिनट नसीबा आपको हम जीत का समय शुरू कर रहे हैं आपको मैं पहले प्रोग्राम के चार पासेस दे रहा हूँ बहुत बहुत शुक्रिया प्लीज आप एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम यार आज मैं पैसे नहीं लाया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सहेल भाई क्या हाल है? नौरीन कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआएं हैं माशाल्लाह। पिछला साल आपका बहुत अच्छा और बहुत प्यारा गुजरा है। प्यारे का पता नहीं अच्छा गुजरा था, तारीफ करे उतनी कम है आपके प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आगा साहब यहाँ मौजूद हैं, आपा यहाँ मौजूद हैं, मुझे ये बताइए कि आप क्या जानना चाहती हैं? आपकी डबल सिम का मसला तो नहीं है? नहीं नहीं हमारी डबल सिम का मसला नहीं है, मुझे आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी कि माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इस साल भी हम आपको बहुत अच्छा देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नौरीन, बहुत बहुत शुक्रिया नौरीन के लिए बहुत। अच्छा जी अली ब्रेक पे जाना है या हमने कॉल लेनी है? अच्छा दो कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हैं? क्या हाल है सर भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, सीमा आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र ठीक। नजूमी वजूमी हो गया हूँ वैसे सीरियसली जी। सीमा प्लीज बात बात कीजिए। सर भाई आपका शो तो माशाल्लाह बहुत टॉप पे जा रहा है। थैंक यू। जो मेरी कजन आयरलैंड में होती है वो रोज मुझे बताती है कि मैं साहिर भाई का शो देखती हूँ। क्या नाम है उनका? नईरा। क्या नाम है? नईरा है आप नईरा नईरा तबस्सम नईरा या नईरा नईरा तबस्सम नईरा तबस्सम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू नैयरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आयरलैंड में देखती हैं, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सीमा फॉर कॉलिंग अस। एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम क्या है? जी मैं सीमा बात कर रही हूं। हेलो सीमा कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल साथ खैरियत से, वही उसी तरह से पुराना वाला हाल है, पैसे वैसे बिल्कुल नहीं है। हाँ जी बताइए।
मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ और रेगुलर बैठ के देखती हूँ अपने काम काज छोड़ के। और मेरा एक सवाल भी है दांतों के हवाले से कि मेरे मसूड़े बहुत कम है। जो खवातीन जब इस किस्म की बातें करती हैं तो फिर मुझे पता चलता है कि उनके हस्बैंड मुझसे नफरत क्यों करते हैं। बट एनीवे आप ये कह रही हैं कि मसूड़े बहुत कम हैं। आज हम जो बताने जा रहे हैं वो इसी सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मसूड़े कम से मतलब क्या है? कम कोई 4-5-6 कम है मसूड़े क्या? नहीं नहीं नहीं, मसूड़े यानी ऊंचे होंगे और दांत दांत बड़े होंगे जी। ओके, तो वो क्या मसूड़े ठीक भी हो सकते हैं? नहीं, मसूड़े ठीक तो नहीं हो सकते, लेकिन दांतों की खूबसूरती इस नक्स को दूर कर सकती है। ओके 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 ओके, चलिए ठीक है जी। तो इंतजार कीजिएगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है आपसे, मिलेंगे इसके मुताबिक एक टोटका भी बता दूंगी। ओके 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 ठीक है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है आपसे, मिलेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद डॉक्टर खुर्रम भी हमें ज्वाइन करेंगे, नाहिद आपा, नाहिद अंसारी आपा, वो भी हमको ज्वाइन करेंगी। बहुत कुछ है आज शो में, बहुत कुछ है, लेकिन आज हम दो चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। पहली चीज़ जो है वो ये है कि किस तरह से आपके दांत सफ़ेद, चमकदार और सेहतमंद हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये, एक पाउडर बनाना हम सिखाएंगे जिससे इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो डबल चिन आपके आ जाती है इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आज हम दो लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और शायद हम दो लोगों को अलाउ भी करें कि वो हमको कॉल करें और उसके बाद हम उनको भी ये फ्री दे सकें। उनकी जो लाफ लाइन्स हैं, जो झुर्रियाँ हैं चेहरे की, वो दूर कैसे की जा सकती हैं, लेकिन पहली मरतबा हम अपने शो में इंजेक्शन के जरिए उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से और इमीडिएट रिजल्ट आते हैं। तो छोटा सा एक ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना, कहीं और ट्यून नहीं करना, आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिनट भी आप मिस नहीं कर सकते। विल बी राइट बैक, गुड मॉर्निंग। हमें शो में ज्वाइन किया है डॉक्टर जाहिद ने, इनके लिए बहुत सारी तालियां जी, बहुत एक बात मैं कहना चाहता हूं, और नाहिद आपा के लिए बहुत सारी तालियां। लेडीज एंड जेंटलमैन, दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी डॉक्टर खुर्रम मुशीर। मैं कौन सा जन्नत में जा रहा हूं? But anyways, ladies and gentlemen, एक बात मैं अपनी कॉम से कहना चाहता हूँ और उनसे जो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, खुदा का वास्ता जोक ले लिया करो और प्लीज़ आवाम को इधर उधर मत लेके जाया करो। वैसे मानोगे तो तुम नहीं, इट्स ओके, तुम्हारी जो भी मर्जी है, बट मुझे ये बात पता चल गई है कि न सिर्फ मेरा शो मशहूर है, मैं बहुत मशहूर हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। जरा सी बात करता हूँ ठक से सोशल मीडिया पे और बस बातें शुरू हो जाती हैं कि जी ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। जरा पहले पूरी बात को सुन लो, उसको तहकीक कर लो, मजाक मजाक होता है, वो शुड बी जस्ट थोड़े से हम लाइट हो जाए तो बेहतर है। बाकी आपकी मर्जी, आप मेरे बारे में जो लिखना चाहते हैं लिखें, मैं कौन सा आपको रोक रहा हूँ, आप मोर पावर टू यू, मोर पावर टू यू। लेकिन अगर आप लिखते हैं तो इतना ध्यान रखिए कि पहले पूरी बात की रिसर्च कर लें। हमारी कौम का वैसे बहुत बुरा हाल है कि इन चक्करों में लगा दिया इनको, इनको फलने फूलने दें, इनके जहनों को बढ़ने दें, इनको थोड़ा सा जोक लेने की सलाहियत होनी चाहिए, जोक करने की सलाहियत होनी चाहिए। मजाक हम किसी का नहीं करते, एक दूसरे के साथ हंसते हंसते खेलते हैं, यू नो दैट्स व्हाट इट शुड बी। बाकी आपकी मर्जी है, आप लोग ज़मीर के ठेकेदार हैं, जो मर्जी कर लें आप, किसने आपको रोकना है, कोई भी नहीं रोक सकता, जिसने जो मर्ज़ी करना वो कहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में हमारी कौम को ये लिबर्टी ज़रूर मिलनी चाहिए कि उसको फजूल किस्म की चीज़ों में नहीं लगाना चाहिए। और जब भी आप किसी के बारे में लिखें, पूरी रिसर्च करके लिखिए, उसको देखिए, उन चीज़ों को देखिए जो मैंने बात की है या कही है, उसके बाद उसके बारे में अच्छा तो आप नहीं लिखेंगे क्योंकि उसके लिए ज़र्फ़ की ज़रूरत होती है, तो वो तो आप नहीं लिख सकते। लेकिन अगर बुरा लिख रहे हैं तो कम अज़ कम इतना ज़रूर कीजिए कि आप बात को दुरुस्त लिखिए। वैसे तो आपके लिखने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर बात दुरुस्त लिखें तो गलत क्या लिखें? नहीं हाँ, बात तो सही है। आइए जी चलते हैं रानी आपा की तरफ और आइए चलते हैं अपनी रेसिपीज की तरफ। लेट्स मेक यू बेटर, लेट्स मेक यू ब्यूटीफुल। हाँ जी बताइए आप क्या कर रही हैं आज? जी आज जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज में ही कहा कि हम एक ऐसा वाइटनिंग पाउडर दांतों के लिए बनाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ ये कि दांतों को वाइट कर देगा, बल्कि जैसे हमारी बहन का मसला आया था कि कुछ लोगों के मुंह से बहुत ज़्यादा ख़राब बदबू आती है, दांत उनके पीले होते हैं और मसूड़ों से खून बह रहा होता है, ये तमाम की तमाम प्रॉब्लम ऐसी हैं जो कि एक ज़िंदगी को बहुत हद तक ख़तरे में डाल सकती हैं और आपकी शख्सियत के अंदर भी बहुत ही मनफी किरदार अदा करती हैं। अच्छा, दो तरह से खतरे में डलती है, एक तो उनकी जिंदगी और एक जो उनके बराबर में खड़ा होता है उनकी जिंदगी। और आप बिलीव करें कि मैं खुद बहुत सही।
मैं खुद इस मामले में इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हूँ कि मैं खुद बहुत ज़्यादा इस बात का ख्याल रखती हूँ. मैं चाहती हूँ कि हर एक अपने अंदर ये शऊर पैदा करें कि आपकी सांसें खुशगवार हों. वरना हों ही ना. बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. अच्छा जी, अब ये कि सबसे पहले हम डालेंगे एक ऐसा वाइटनिंग पाउडर बनाने जा रहे हैं जो आपके दांतों को वाइट कर देगा और इन तमाम प्रॉब्लम को भी दूर कर देगा. सबसे पहले हम डालेंगे फिटकरी, जो कि मैंने खील करके रखी हुई है. डायरेक्ट याद रखें कि फिटकरी को डायरेक्ट कभी इस्तेमाल नहीं करते, ये आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान देगी और आपके कट्स आ जाएंगे. इसको पिघलाकर मैंने रखा हुआ है और ये पुटराशालम है. अच्छा, फिट करिए. इसको पिघलाते हैं और पिघलाने के बाद ये दोबारा इसी शक्ल में आ जाती है और बहुत आराम के साथ पिस जाती है और इसका फ़ायदा हमें दोहरा हासिल होता है. पानी में भी डालते हैं ना क्लियर करने के लिए. जी जी जी, वो जो हम पानी में क्लियर करने के लिए डालते हैं और जख्मों पे जो छिड़कते हैं वो डायरेक्ट होती है. हाँ. वो डायरेक्ट है. अच्छा. और पानी में भी इस तरह कील करने का तरीका खास तौर पे बता दीजिए. और टिप की जबान में इसको बिरिया करना कहते हैं. ये कि आप एक चूल्हा जलाकर उस पर तवा रखें. तवा रख कर आप अपनी जितनी मैंने फिटकरी ली थी इतनी साबुत फिटकरी लेकर आप तवे पे डाल दीजिए. एकदम ये मेल्ट हो जाएगी और उसके बाद आप चूल्हा बंद कर देंगे. ठंडी होकर दोबारा इसी शक्ल में जम जाएगी. और अगर आप ये ना कर सकें तो फिटकरी लेके खुद चूल्हे पे बैठ जाए और इसके अंदर बंदा बिरिया मिलेगा. इसमें हम डालेंगे कटेली. कटेली एक ये जड़ी बूटी है, साबुत भी मैंने रखी है और पीस कर भी रखी है. कटेली वो जड़ी बूटी है जो दांतों की कैविटी को भी दूर कर देती है. जी, और इसके लिए मैंने पाउडर बनाकर रखा है. एक टीस्पून, एक से दो टीस्पून हम इसमें कटेली का पाउडर डालेंगे पीस कर. इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट डालेंगे. अब एक मरतबा फिर हमने इसमें पिघली हुई फिटकरी डाली जिसको हमने तवे पे पिघला लिया था. उसके बाद इसकी ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा ये वापस आ गई. जी जी. अच्छा, उसके बाद हमने इसके अंदर कटेली डाली दो टीस्पून. और कटेली बहुत शानदार दवा है, उसको सभी जानते हैं. ठीक है. और ये हमने डाला अकरकरा. अकरकरे के मुताल्लिक मशहूर है कि जिन लोगों की जबान में लुकनत होती है वो अगर जबान पे डायरेक्ट ये डालें, इसका पाउडर माओ को चाहिए कि डालें, और डालने के बाद थोड़ी देर के लिए बच्चा इस तरह बैठ जाए ताकि उसकी राल टपकती रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता जबान पतली होकर और लुकनत दूर हो जाए. अच्छा, आज मेरा जहन बड़ा अजीब हुआ है. प्लीज़, मैं अजीब अजीब बात लग रहा हूँ. जी जी. अकरकरा उर्दू इंग्लिश में भी इसे अकरकरा ही कहते हैं. ये स्टिमुलेंट है और बहुत तेज होता है. अगर ये जबान पर लगाया है तो जबान में इरिटेशन पैदा करके ये राल बहाता है और जिस तरह आपा ने बताया कि राल के साथ पानी बहुत ज़्यादा अगर बच्चे का बहे तो उसकी लुकनत बेहतर होती है, उसका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन लिंगुअल वेन बेहतर होता है. और आप ये याद रखिएगा कि हमारे पॉलिटिशियंस अकरकरा इस्तेमाल ना करें, उनकी राल पहले ही बहती है ये लगाने से और मजीद बहने लगेगी. अब हम इसमें डाल रहे हैं एक टीस्पून मुस्तगी किसी भी. अच्छा, आज आपने डिसाइड किया है कि आप इतने मुश्किल नाम लेके आई हैं. अकरकरा, मुस्तगी, कटेली, ये वो चीज़ें हैं साहिर जो कि हमारा प्रोग्राम सब लोग देखते हैं और एक चीज़ किसी न किसी चीज़ में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं. और मुस्तगी किसी चीज़ को जोड़ने के लिए, जो हमने बताया कि गम्स में से जो खून बहता है उसको रोकने के लिए और दांत जोड़ने के लिए अगर डायरेक्ट भी इस्तेमाल करें तो हड्डियों के दर्द के लिए, बहुत सारी बीमारियों के लिए है. तो आज हम वाइटनिंग पाउडर में डाल रहे हैं एक टीस्पून मुस्तगी. ये मैंने पीस कर रखी है. और आज हम आपको ये बता दें कि रानी आपा ने वॉलंटियर किया है. आज रानी आपा के यहाँ इंजेक्शन लगेंगे. लिटरली रानी आपा ने वॉलंटियर खुद किया है. बहुत 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 सारी तालियां. और एक टीस्पून हमने डाला इसमें बेकिंग पाउडर. और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये इस कदर फ़ायदेमंद है कि आज के बाद इंशाल्लाह ताला आप यही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे. और एक टीस्पून लाहौरी नमक. ओके. अच्छा, एक अभी इससे पहले कि आप इसको बंद जी करें. जी बिल्कुल. ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हमने इस वक्त जो आपको तरकीब बताई है वो दांतों को सफ़ेद सेहतमंद मसूड़ों के साथ चमकदार करने की तरकीब. अब इसमें चीज़ें क्या क्या डालेंगे ये एक मरतबा फिर बहुत स्लोली ग्रेजुअली मकदार के साथ बता दीजिए. ठीक है. हमने इसमें डाला है दो टीस्पून कटेली पाउडर. ठीक है. ये मैंने अभी पीसा है, बहुत आसानी के साथ पिस जाएगा. और इसमें मैंने डाला है एक टीस्पून अकरकरा. और ये तमाम चीज़ों की डेफिनेशन, इसके मज़ीद फ़वाद भी हमने आपको गाहे बगाहे बताए हैं.
और एक टीस्पून मुस्तगी और एक टीस्पून हमने इसमें डाला लाहौरी नमक और एक टीस्पून हमने इसमें डाली है फिटकरी, जो कि हमने आपको बताया कि बिरिया करके तिप की जबान में इसे भूनकर ये दोबारा से हो गई। जी बिरिया करने का मतलब ये है कि आपने ये लिया, इस तरह से फिटकरी को लिया और उसको तवे पे गर्म करके पिघला लिया। जब वो खुश्क हो गई तो वो एक सर्टन फॉर्म के अंदर, ये फॉर्म इस तरह की होती है जिसमें वो आ जाती है, इसके बाद आपने इसको इस्तेमाल किया। और कटेली जिन बच्चों को दांतों में प्रॉब्लम होता है, दर्द है, बहुत कीड़ा लग गया है, माओं को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इस वाइटनिंग पाउडर को जरूर इस्तेमाल कराएं। अभी हो गया? जी बिल्कुल हो गया। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। लेट्स सी, इधर इधर जरा इसको लाइएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी एक मिनट आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, वो खुद कर लेंगे। बताइए। ओके थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हो गया या थोड़ा सा? बिल्कुल अच्छा, इसको इसको घर में रखा जा सकता है? बिल्कुल घर में रखेंगे, बनाकर एक बॉटल में। ओके जी, मंजन की तरह। जी 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 बिल्कुल। और इस पाउडर को अपने मुंह पर लगाकर दांतों पे अच्छी तरह मल के, मसूड़ों को अच्छी तरह मल के, और थोड़ी देर के लिए अपने बेसन पे आप मुंह लटकाकर रहिएगा एक दो मिनट के लिए, फिर आप देखेंगे कि आपके दांतों को अल्लाह ताला कैसे नई सेहत और ज़िंदगी देता है। ओके अच्छा, ये और ऐसे पाउडर से बेहतर होगा कि आप छान लें तो बहुत ही फाइन हो जाएगा। अच्छा, ये पाउडर अच्छा, आपके लिए एक सेकंड ये देख लीजिए कि ये पाउडर जो है ये बन चुका है। अब इसको क्या टूथब्रश पे लगा के लगाना है? नहीं, उंगली के साथ और अपने गम्स पर भी इसका मसाज करें, बिल्कुल स्लाइड और जेंटल हाथों से इस तरह अपने मसूड़ों को पकड़ के। अच्छा, अंदर और बाहर की जाना, बाहर। अच्छा, और जिन बच्चों के दांतों में कीड़ा है जी, और दांत हिल रहे हैं तो वहाँ पर लेके थोड़ी देर के लिए इसको रख दें। और फिर एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मनाहिल। मनाहिल कैसे कैसी है मनाहिल, आप ठीक है जी? मनाहिल क्या क्या कहना चाहती हैं? मैं नए साल की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 2016 प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज आप ये तरकीब सुन रही हैं ना, बालों को सफेद करने, दांतों को सफेद करने सॉरी दांतों को सफेद करने वाली सुन रही है ना? तो हम रानी आपा से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना पता लिखवा दीजिएगा, ये बना के रानी आपा आपको रवाना कर देंगे। रानी आपा बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बात जी, हेलो जी, सलाम अलैकुम। हेलो सलाम अलैकुम जी, कौन बोल रही हैं? कोमल बात कर रही हूँ जी। कोमल क्या हाल है, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप लोग सब कैसे हैं? मेरी तरफ से सबको सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई अच्छी सी बात कह दें प्रोग्राम के लिए, साहिर आज आ नहीं सके, उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, सामने टीवी के आगे ही बैठ गई हूं। इसका मतलब है कि इनको समा के मेकअप आर्टिस्ट का पता ही नहीं है, नाश्ता भी नहीं, यही पे टीवी के आगे बैठ के ही करते हैं। हमने शायद बनवाए आज झूठ झूठ होता है, कोई सफेद झूठ होता है। जी जी, कैसे हैं आप? सफेद पाउडर बन रहा है। कैसे हैं आप? कैसे हैं साहिल भाई? रानी आपसे बात करा दें जी, प्लीज बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रानी अब। मैंने तो अभी आपने थोड़ा सा लेट कर दिया, मेरे तो दाढ़ों में दर्द था, मैं अगले हफ्ते जाके अपनी दाढ़ निकाल के आ गया, हालांकि इतनी उम्र भी नहीं है मेरी। जी 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 आप, लेकिन अब वो जो जगह खुल गई है, कहते हैं कि सारे दांत उससे हिल जाएंगे, तो क्या ये उसके लिए भी बेहतर है? एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा, और उसी के लिए अगर एक दांत हम निकलवा दें किसी वजह से तो ये बेस हमारी हिल जाती है और इस गैप की वजह से सबके अंदर गैप आ जाता है। तो कोशिश करें आज से ही ये वाइटनिंग पाउडर जो आपके दांतों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, इसकी रेसिपी भी जो इसकी रेमेडी है हमारी साइट पर चल रही है। ये मज़ेदार बात नहीं होगी, मज़ेदार बात होगी आज मेरा मूड ऐसा ही है कुछ। आज मज़ेदार बात ये होगी कि आपको, आप अपना पता लिखवा दीजिए, आपको रानी आपा खुद बना के भेजेंगे। बिल्कुल, मैं ज़रूर आपके लिए भेजूंगी, और जब आप ठीक हो जाएंगी आपके दांतों का प्रॉब्लम फैमिली में किसी में, आप बताएंगे हमारे प्रोग्राम समाप्त। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपको पता होगा कि हमने डबल चिन की बात की है कि डबल चिन किस तरह से दूर की जा सकती है, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। बस अब थोड़ी देर के बाद आपसे मुलाकात होती है, विल बी राइट बैक, जाइएगा कहीं।
आप लोग जो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं आज अब जाएंगे तो हमने एक कुरानदाजी शुरू की है जिसमें आप लोग अपने नाम डालेंगे और एक 1300cc गाड़ी है उसमें आपका इनाम निकलेगा। अच्छा अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि अब इन लोगों को मेरी किसी बात पे यकीन नहीं रहा इसलिए तालियां भी उन्होंने ऐसी बजाई हैं जैसे मैंने इनाम का गाया। मुझे इस बात आप लोगों को नहीं यकीन आया ना कि कोई गाड़ी है। शाबाश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी नाहिदा, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कुछ पुरानी चीज़ों को नया करने वाले हैं और कुछ ऐसे मर्द हजरात ये बात नहीं सुने और शादीशुदा हजरात बिल्कुल नहीं सुने। पता चले कोई बीवी लेकर पहुंचा नहीं करो। नहीं मगर इसमें बचत का तरीका है। ये बचत का तरीका आप कैसे सेविंग कर सकते हैं। और एक चीज मैं कुछ ऐसी बताऊंगी कि बहुत से घरों में वायर्स खुली पड़ी रहती हैं, बच्चे भी होते हैं वहां पर, तो उस और आप वहाँ प्लग्स वगैरह लगा देते हैं, बच्चा हाथ लगाए तो करंट बच्चा ही लगाता, बीवी नहीं लगाती हाथ। या कभी कभी आपकी सास आपके घर रहने आए तो आपकी हसरत होती है किसी तार पे पांव आ जाए ऐसे करके यूं करके। लेकिन करंट को जहाँ लगना होता जब ही लगता है। हाँ लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने वो लतीफा तो सुना होगा खवातीन के बारे में कि वो एक साहब की बेगम रजा इलाही हो गई चली गई तो जनाजा लेके जा रहे थे, बारिश हो रही थी, सामने खंबा था, जनाजा खंबे से टकराया, करंट लगा और बेगम उठ के बैठ गई। 5-6 साल बाद दोबारा उनकी डेथ हुई, फिर जा रहे थे, जैसे ही खंबा आया वो साहब भाग के आगे आ गए, कहले बचा के। जी आप कह रही थी, प्लीज सॉरी। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि बच्चे होते हैं घरों में या मेहमान आए हुए होते हैं और एक अनटाइडीनेस भी लगता है, तो आप उसको इस तरह करें जैसे मैं एक बताई देती हूँ। ठीक है कि आपके पास जैसे ये कपकेक्स का बॉक्स था तो मैंने क्या किया, ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया, ऑनेस्टली ग्रेट आइडिया। तो आपने एक बॉक्स ले, कोई भी बॉक्स ले लें आपके पास हो, और मैंने इसमें टिश्यूज ऐसी खूबसूरती के लिए, ये जो आपका प्लग सिस्टम है यहाँ से करके ये करा और आप इसको लगा बंद करके, और यहाँ मैंने लेस लगा दी ताकि अगर आप कहीं रखें भी तो बच्चे ये समझ के खुलेंगे इसमें शायद कपकेक्स हैं, कपकेक्स बने हुए हैं यहाँ पर, या कोई भी बॉक्स ले लें आप, और ये आपकी वायर निकल जाएगी वहाँ प्लग सिस्टम के और लगेगा एक बॉक्स रखा हुआ। अच्छा वाकई बहुत बहुत बड़ी बात है, जिन घरों में बच्चे होते हैं और हमारे यहाँ तो जाहिर है बारिश में सीपेज भी हो जाती है, बहुत सारी और चीज़ें हो जाती हैं और तकलीफ दे हद तक चीज़ें डेंजरसली गलत हो जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक दिस इज वेरी नाइस, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। अच्छा एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी जो आपा बता रही थी, ये दो बॉटल्स हैं, ये एक बॉटल है जो किसी भी उसकी है, आप इमेजिन कीजिए कोई भी आपको जो ड्रिंक मिलता है उसकी बॉटल है, उसके जरिए अगर आपके पास प्रॉब्लम्स हैं घर के अंदर स्टोरेज के तो उसको किस तरह से दूर किया जाता है, आप जरा ये डेमोंस्ट्रेट करके बता दें, ये बहुत अमेजिंग चीज है, ऑनेस्टली बहुत अमेजिंग। ये ले लें आप, या ये चेवड़ा है निम्को वगैरह, ये लीजिए, ये आपने क्या करना है, आपने इस बॉटल को मैं आपको बाद में काट के भी दिखाऊंगी, आपने इसको सिर्फ यहाँ से इसका टॉप अलग कर लिया आराम से आप, और जरा तेज छुरी से, हल्की छुरी से नहीं, जो सरेटेड नाइफ होती है, ये ब्रेड नाइफ जो सरेटेड होती है इससे आपने काटना है इसको करा, और ये है। अच्छा पहले एक सेकंड, पहले अब ये दो हिस्से हो गए, एक बॉटल के दो हिस्से हो गए, ठीक है दो हिस्से हो गए, अब ये वाले हिस्से में क्या कर सकते हैं? अच्छा इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें आप वास के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर। अच्छा दूसरी एक और चीज, जब आप इसको काटते हैं ना, ये जब आप काटते हैं तो ये जरा खुरदुरी होती है, तो आप इस्त्री को गर्म करें और इसके ऊपर रख दें, ये देखें। अच्छा आप एक काम कीजिए क्योंकि टाइम अभी बहुत शॉर्ट है, मैं ये बहुत बहुत ज़बरदस्त किस्म की तरीके मुझे बहुत अच्छी लगी है, रीज़न उसका ये है कि आपके घर में आपको बड़े बड़े मर्तबान रखने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े जो आपके स्टोरेज बॉक्सेज हैं वो रखने की ज़रूरत नहीं है, इसी के साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी हम आपको बताएंगे, आपके घर में स्टोरेज का जो मसला है वो हल हो जाएगा और साथ साथ आपकी चीज़ें हमेशा ताज़ा रहेंगी, वो एयर टाइट होंगी और फ्रेश रहेंगी, वो किस तरह से होगी, इस बॉटल की मदद से, जो छोटी सी आधी बॉटल है इसकी मदद से, लेकिन कैसे होगी ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद, आपने कहीं नहीं जाना यहीं रहिएगा, हम जब वापस आएंगे तो इसी से शुरू करेंगे, और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज बोटॉक्स के इंजेक्शन लग रहे हैं, फिलर्स लग रहे हैं, आज फिलर्स लग रहे हैं जैसे चेहरे की झुर्रियां, गर्दन की जो लाइंस हैं, फाइन लाइंस हैं, ये खत्म होंगी, एक हमने यहां से लेनी है खातून, और रानिया आपा ने वॉलंटियर किया है,
और इस हफ्ते कुछ बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है जो हम आपको बताएंगे, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि आज हम दो फिलर्स एब्सोल्युटली फ्री दे रहे हैं, एब्सोल्युटली फ्री। डॉक्टर फोरम छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक, जाएगा कहीं नहीं। मैं इतना बता दूं आपको कि शो का एक मिनट भी मिस नहीं किया जा सकता, विल बी राइट बैक, गुड मॉर्निंग। जो पुरानी चीजें हैं उनको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, सबसे बड़ी बात ये जो स्टोरेज का प्रॉब्लम है उसके बारे में हम बात करेंगे, और साथ साथ डॉक्टर जाहिद हमारे साथ हैं, अब से थोड़ी देर के बाद इनसे बात करेंगे स्किन को टाइट कैसे किया जा सकता है, और ये जो चेहरे पे दाग धब्बे हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, मेरे चेहरे पे एक डिसकलरेशन हो गई है वाइट कलर की, यहाँ पे ना इस जगह हो गई है, और जो बहुत प्रोमिनेंट सी है, मैं छुपा तो पाता नहीं इसलिए जाहिर है सबको बताना, बिकॉज वी आर वेरी नॉर्मल पीपल, और जो प्रॉब्लम्स दूसरों के होते हैं वही मेरे भी हैं। तो आई वॉन्ट टू टॉक यू अबाउट दैट। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा है कि एक मेडिसिन मुझे बताइए कि वो आप इस्तेमाल करें तो उसके इस्तेमाल के बाद ये ठीक हो जाएगा। एंड लेट्स सी, मैं मेरा जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि आराम का इशू है, स्ट्रेस का इशू है, वो बेतहाशा है, तो शायद उसकी वजह से भी तमाम चीज़ें होती हैं, उसके सिलसिले में हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हम जा रहे हैं नाहिद आपा की तरफ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ टेबल पर आपको नजर आ रही होंगी, आपके घर में ये तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, किस तरह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टोरेज का, जो बची हुई दालें होती हैं, जो चावल होते हैं, जो आटा होता है, उसको किस तरह से स्टोर किया जाता है और किस तरह से उसको बेहतर अंदाज में प्रिजर्व किया जाए, फिर उसकी फ्रेशनेस भी कायम रहनी चाहिए, तो आप जरा बताइए। अच्छा, सबसे पहले जो अभी हमने ये बॉटल काटी थी, हाँ जी, ये मैंने बड़ी वाली भी एक काटी है, ये देखो, ओके ओके, इसको मैंने वाज बना दिया, ठीक है, ऑसम। इस वाज में आप जरूर नहीं, आप फूल खरीदें, घर में जो फूल होते हैं पत्ते उससे आप लगाएं, और एक ये है बड़ा अच्छा फूल, क्योंकि आगा साहब बैठे हुए हैं, ये है सदाबहार, सदाबहार, और ये बहुत फायदेमंद है, अपने घरों में आप लगाएं, इसके फायदे आगा साहब, ये दो किस्म का होता है सर भाई, एक वाइट। पहले एक काम करते हैं, पहले ये जान लीजिए कि सदाबहार फूल जो है वो फायदेमंद क्यों और घर में क्यों लगाना चाहिए, बताइए। सदाबहार जो है दो किस्म के फूल होते हैं, ये उनाबी रंग के, कुछ वॉयलेट कलर के फूल होते हैं और वाइट होते हैं, ठीक है। अगर कोई शख्स सुबह नहार मुंह उठकर ये पांच फूल रोजाना खा ले तो उसकी शुगर मेंटेनेंस बेहतर हो जाएगी। ओ वाओ, अच्छा, ओके। प्योरिफिकेशन आप ब्लड के लिए, जिन लोगों के चेहरे डबल टोन होते हैं, जिन लोगों के जिस्म पर छोटे छोटे दाग होते हैं, एलर्जीज की कैफियत होती है, उनके लिए सदाबहार बहुत अच्छा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी आप प्लीज बताइए। अच्छा, अब आपने क्या किया, इसको आपके पास जो लोग घरों में ज्यादा दालें ले लेते हैं, या आटा या मैदा होता है 2-3 किलो, ये उसके काम आएगा। जो छोटी बॉटल मैंने ली है, आप ये देखें, एक तो मैंने लगा के रख दिया, ये आपका निम्को है, ये निम्को है, हाँ, ओके। ये मैं, आप देखें, मैं आपको इसको करके दिखा, अच्छा, ये देखें निम्को किस तरह से लगाया है आप, लेकिन बताइएगा करके, ये अब आपकी स्टोरेज का वो बन गया, एक मर्तबान सा बन गया, देख लीजिए। आपने इस तरह का प्लास्टिक बैग लेना है, जो पतला वाला हो, ज्यादा हार्ड भी ना हो, ठीक है, और आपने ये इसका हिस्सा यूं करके, कुछ भी नहीं लगता, बस ये इसका मुंह बाहर निकला हुआ है, और ये मेरे हाथ में है रबर बैंड, और इसको आप, वाओ, कुछ भी नहीं करना, रबर बैंड नहीं है तो कोई कपड़ा, रिबन, कुछ भी बांध लें, ये कोई वो नहीं है, हाँ, कि रबर बैंड हार्ड पास रूल नहीं है, और ये आपकी दाल होगी, अब आप इसको खोलें और इसमें से आप निकाल सकते हैं, निकाल के ओके ओके, तो ये इस तरह से आपने इसको लिया, खोला और निकाला, जितनी निकालनी निकालेगा, एयर टाइट बंद करा, और आप, अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि एयर टाइट है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। लुक एट दिस, मैं आपको ये निम्को भी इसी के अंदर अगर निकाल के हम दिखा सके, पिकनिक्स पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, दिखाइएगा जरा मुझे,
कुछ भी वही दे दें, उसी में निकाल लेते हैं, उसी में निकाल लेते हैं। ये देख लीजिए, निम्को के साथ सबसे बड़ा मसला होता है कि घर में जब गेस्ट आते हैं तो उसके बाद ये निम्को खराब हो जाती है, सौगी हो जाती है। तो अगर आप इसको एयर टाइट इस तरह से कर देंगे तो ये सौगी होने से बच जाएगा और आप हसब ज़रूरत इसके अंदर से इस तरह से निकाल लें। वाओ, अच्छा ऑनेस्टली दिस इज ब्रिलियंट। और अगर सौगी हो जाता है, फर्ज करें तो आपने एक फ्राइंग पैन या तवा गरम किया और चूल्हा फिर बंद कर दिया, फिर उस पर आपने ये फैला दिया निम्को या जो भी चीज़ है और उसको कवर करके रख दें, थोड़ी देर के बाद जब वो ठंडा हो जाएगा फिर क्रिस्पी हो जाएगा। वाओ, अच्छा वाओ। अगर आपकी निम्को सौगी हो गई है तो ये तो बहुत बहुत ज़बरदस्त बात है। तो आपने निम्को लिया, उसके बाद उसको फ्राइंग पैन पे या तवे पे रख दिया और उसमें थोड़ा हल्का सा उसको नीम गरम कर लिया और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाएगा तो दोबारा से अपनी असल हालत में आ जाएगा। वेरी नाइस जी। अच्छा, सर्दी थी तो ये पिस्ते बहुत खाए जाते हैं, या मूँगफली ले लें, मेरे पास पिस्ते थे। पिस्ते ना हो तो कोई बात नहीं, आप पत्थर ले सकते। ओके, ठीक है। क्या करना, मारना है? नहीं, कुछ नहीं करना। जैसे मैंने उस दिन दुपट्टा डाई करना दिखाया था, आपने इसको डाई कर लिया, कोई नहीं है तो आप हल्दी डाल के ही पीले कर लें। और कोई भी आपके पास कप टूट गया है तो हम घर में पॉटपूरी रखते हैं, अगर आप पॉटपूरी नहीं लग सकते तो इसके अंदर आप खुशबू कोई भी लगा दें, लेवेंडर ऑयल लगा दें, कुछ भी ना हो तो दालचीनी के पानी में और मौसम्बी के छिलकों में उबाल के कलर दे के, और आप पॉटपूरी को, मेहमान आते हैं सबके घर और इसको आपने यूँ नहीं रखना, आपने इसको यूं रखना है, आप कहीं भी अपने घर के कोने में रखें लाए, लाए, और लाए, इसके ऊपर ये बर्ड बिठा लें। अरे वाह वाह, बर्ड छोड़ दें, ऊपर बिठा लें, बहुत अच्छी लगती है कि आप घर के कोने में रखेंगे। लेकिन बच्चे इसे खाने से परहेज करें, ये खाने वाली बर्ड नहीं, लेकिन आपा बहुत हंसी। दिस इज ब्यूटीफुल यार, आप सोचें ये मुझ जैसे आदमी को जिसको ये तमाम चीज़ें बिल्कुल नहीं पता, मुझे समझ में आ गया। आप जो पिस्ते वगैरह खाते हैं उनके छिलकों को जमा कर लें, जमा करने के बाद उसको आप किसी भी तरह से कलर कर लें, गेंदे के फूलों से भी कलर किया जा सकता है, उनसे आप कलर कर सकते हैं, बाकी और तरह की चीज़ें जिनसे आप कलर कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपके पास खरीदने के पैसे नहीं है खुशबू, तो आप सिट्रसी स्मेल को किस तरह से नारंगी के छिलकों को या मौसमी के छिलकों को उबाल के उसका जो वाटर है उसके अंदर इसको निकाल सकते हैं, धो सकते हैं, तो उससे खुशबू जो है वो फैलेगी और बहुत 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 खूबसूरत एहसास होगा। एंड लुक एट दिस कलर, इट्स ब्यूटीफुल, ऑनेस्टली इट्स वेरी नाइस। अगर आप बाजार से जाके ये लेते हैं तो एट बेयर मिनिमम ये 3,500-4,000 रुपए का नुस्खा होता है जो आपको दे दिया जाता है। जबरदस्त यार, दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज ब्यूटीफुल, अमेजिंग। सर एक जुमला आपकी इजाजत हो तो, सर पॉट मैरी गोल्ड गेंदे के फूल ये जिस्म के किसी भी जख्म पर लगाए जा सकते हैं, अगर इसको मुसलसल किसी भी जख्म पर इसके पानी को लगाया जाए तो वो जख्म जल्दी भर जाते हैं। गेंदे के फूल, गेंदे के फूल, ओह वाओ। और इससे आमतौर पे होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और होम्योपैथिक में ये किसी भी जख्म पर लगाने के लिए इस्तेमाल। वाओ, आगा साहब तैयार हैं? तैयार। ये बताइए कि आज हम करने क्या, कुछ बना के दिखाएंगे आप? जी मैं बनाऊंगा। आमतौर पर ख्वातीन की जो डबल चिन हो जाती है, चिन लटक जाती है, उसको हम कैसे दोबारा अपनी जगह पर ला सकते हैं और उसके अंदर जो फैटी एसिड्स हैं उसको कैसे खत्म, और कितने दिन में ये हो जाएगा? होल्ड ऑन, कितने दिन में हो जाएगा? सर 40 दिन मुसलसल लगाना पड़ेगा, इसलिए कि जितनी भी ये दवाएं हर्बल मेडिसिन हैं ये स्लो एक्टिव होती है। अच्छा, ये लगाने की है, खाने की नहीं? नहीं, खाने की नहीं, सिर्फ लगाने की। जबरदस्त जी, 40 दिन और साथ साथ एक बात और भी करनी कि आज हम जो है मेडिसिन बनाएंगे वो किसी एक कॉलर को हम देने जा रहे हैं, और आगा साहब अगर पॉसिबल हो तो क्या मैं ऐलान कर सकता हूँ कि दो और कॉलर्स को आपकी मेडिसिन घर पर दे देंगे? सर आपका होगा। ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आइए आइए, आ जाए सब, आ जाए, आइए। हमारे पास चीज़ें जो है वो तैयार हैं, आगा साहब हमारे पास मौजूद हैं, और आगा साहब जो बता रहे हैं इस वक्त ये बता रहे हैं कि डबल चिन जो होती है इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है और ये किस तरह से आपकी स्किन अपनी दोबारा जगह पर आ सकती है। सर जी, सर इसमें पहली चीज़ जो है वो है सौंठ, सौंठ, ये सूखी हुई अदरक, ड्राई जिंजर, ठीक है। इसमें जो दूसरी चीज है वो है दालचीनी, सिनेमन पाउडर, ठीक है। नंबर तीन जो इसके अंदर है वो है आंबा हल्दी, अंबा हल्दी, कुरकुमा, लौंगा जो है वो आमतौर पर हमारी जो हल्दी है वो होती है, ये कुरकुमा वल्गारिस है, यानी आंबा हल्दी, ठीक है। और इसमें तीसरी चीज़ जो है वो गोंद है, इसलिए कि इस पाउडर को हमें स्टकअप करना है, स्टे करवाना है, लिहाजा इसमें हमने थोड़ी सी गोंद का इजाफा किया, ठीक है। और इसके अंदर जो दूसरी लास्ट चीज़ है वो है हुस्न यूसुफ, ये पाउडर है, ठीक है। ये पाउडर हुस्न यूसुफ बुनियादी तौर पर चेहरे की खूबसूरती के लिए एक बेहतरीन दवा। ओके ओके।
और इन तमाम चीज़ों को कवर अप करने के लिए जौ का आटा जो बेहतरीन क्लींजर है। ओके ये तमाम चीज़ें हम इसमें डालकर हम पीसेंगे, जब पीस लेंगे तो उसके बाद ये हमारे पास ये पाउडर तैयार हो। ये बन गया, टाइम बचा लूं मैंने, इसीलिए मैं बना भी सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा बना के जरूर दिखाएं, थोड़ा सा बना के जरूर दिखाएं। हमने थोड़ा सा कितनी डालनी है? दालचीनी थोड़ी सी, जो नुस्खा है उसमें ये 50 ग्राम है, ताकि एक महीने के लिए आप इकट्ठी बना लें। ओके ठीक है, ये दालचीनी, नमक पाउडर। अच्छा ये मैं साथ साथ आपको बता रहे हैं, हम डाल रहे हैं दालचीनी, हमने इसमें डाल दी है जी। और बताइए, ये सौंठ पाउडर है, सौंठ हमने, ड्राइड जिंजर जी, सौंठ हमने डाल दिया, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी गोंद, इस पूरी दवा जो है डाली हमने इसका 20% ओके। ये यूसुफ है 1 टीस्पून, ठीक है। इसके अंदर जौ का आटा है, जौ का आटा, और जौ का आटा 2 टीस्पून, ठीक है। और इसमें बहुत थोड़ा सा मुझे डालना है इसके अंदर जायफल, तो मैं जायफल तोड़ के डाल दूंगा जी। ये तमाम बना करके हम इसका पाउडर बनाएंगे और इस पाउडर को हम इस्तेमाल करेंगे। नहीं ये थोड़ा सख्त है, इस वक्त नहीं टूटेगा, मैंने इसीलिए कोशिश की थी कि मैं इसे ये दांतों का नुस्खा जो रानी आपा ने बताया, जायफल टूट गया भाई, ये जायफल उसमें आ गया, उसको हम पाउडर बनाएंगे, ठीक है। अब ये हो चुका है जी, बिल्कुल। ओके जी, एक टेलीफोन कॉल है, आपको बना के इसलिए दिखाना है कि घर में अगर आप बनाना चाहें तो आप घर में बना सकते हैं इसको, एंड लेट्स सी। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी, जी आपका नाम, आपका नाम? रुबाब। रुबाब कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। बोलिए क्या कहना चाहती हैं? भाई मुझे ना बालों के बारे में पूछना है, मेरे बाल बड़े रफ हैं। आपके बाल बड़े रफ हैं? ओके जी, ओके ठीक है जी। रुबाब ने बालों के बारे में पूछना है, कोई भी बता सकता है, आप बता सकती हैं, आप बता सकते हैं, लेकिन एक टेलीफोन कॉल और है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। रुबाब ने बालों के बारे में पूछना है, हम सब रुबाब के बालों के बारे में जानेंगे, इनके बाल बहुत रफ है इन्होंने कहा। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मैं रुखसाना बात कर रही हूँ कराची से। जी रुखसाना कहिए, क्या बात है? आज का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं काफी दिनों से बस एक चक्कर में लगी पड़ी हुई हूँ, मेरा बस तो जिंदगी में कोई नाम नहीं जीता, पहली दफा आप। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे दोबारा बताइए क्या जीता था आपने? नहीं कभी नहीं जीता, लेकिन कोई बात नहीं, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, अपना नंबर जरूर छोड़ दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, डॉक्टर बी ए सिद्दीकी मैं आपसे मुखातिब हूँ जी। कैसे हैं सर? सबसे पहले तो मैं आपको नज़ीर अकबर अल आबादी का एक शेर नए साल की मुनासबत से सबको पेश करता हूँ, टीम में जितने शुरका है, के जितने सुखुन हैं सब में यही है सुखुन दुरुस्त, के अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। थैंक यू जी, बहुत बहुत आप हमारे चूंकि शाहरुख खान सानी हैं, आगा साहब जो है ना वो हमारे 30-35 साल के नौजवान हैं, और खुरम भी। अच्छा साथ साथ एक छोटा सा सवाल भी है कि मेरा जो है मेरी जो तोंद है वो ज्यादा नहीं है लेकिन मुझे बड़ी जहर लगती है, मैंने बड़े कर्तव्य किए हैं, बड़े ड्रामे किए हैं, मगर मैं नाकाम हुआ हूँ। एक दूसरा मेरी कोनियों के ऊपर जो है ना स्याही आ जाती है बहुत गंदी, मैं नहाते हुए उनको साफ भी करता हूँ, ये जाती नहीं है, तो मैं ओल्ड एज में भी मरना नहीं चाहता, मैं कहता हूँ वक्त से पहले ना मरे, जब वक्त है तब मरे, जब तक जिए जिंदा दिल से। डॉक्टर साहब ऑसम ऑसम लवली टॉकिंग टू यू। अच्छा जी दो प्रॉब्लम्स और कमाल आवाज है, कमाल डॉक्टर साहब, ऑनेस्टली आई लव्ड योर कॉल, माशाल्लाह। और कोनियों के लिए मैं बता दूं कि कोनियों के लिए आप नींबू के 2 टुकड़े कर लीजिए और अपने पास बेकिंग पाउडर जो हमारे पास एक आम सी चीज़ है वो ले लें और थोड़ा सा रस निकाल कर बेकिंग पाउडर को उससे नरम कर लें और उसी लीमू को लेकर ये वाला बेकिंग पाउडर आप अच्छे तरीके से 10 मिनट के लिए अपनी कोहनियों पर मलें और उसके बाद धो लीजिए और अपने नकल्स हैं आपके पैरों पे कोई प्रॉब्लम है जबरदस्त। एक और टेलीफोन कॉल डॉक्टर साहब, इसके बाद आपको तोंद का भी बताएंगे। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? हुमैरा। हुमैरा कैसी हैं आप, ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, मुझे डॉक्टर खुर्रम से बात करनी है। बात कीजिए जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा कैसी हैं आप?
जी ठीक ठाक आप सुनाएं। जी बिल्कुल ठीक ठाक। जी मेरा क्या हो गया? जी आप जो क्रीम में बताते हैं वो आम स्टोर वगैरह से नहीं मिलती। अच्छा मेरा आपने कौन सी क्रीम नहीं मिली? मैं आपको मैं खुद पहुंचाऊंगा, आप बताइए। जी क्या कहते हैं वाइटामिन की आपने बताई थी ना, एलोवेरा गॉड मिल्क और सिल्वर नाइट। हाँ एलोवेरा, एलोवेरा जेल, गोट्स मिल्क यानी बकरी का दूध दुकान पे नहीं वहाँ पे मिलेगा, बकरी वाले का गोट्स मिल्क जो है ना वो बकरी का दूध है। और तीसरा आप कह रही थी कौन सी वाली, सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा उसके लिए आप क्या करें कि आप जाएंगी कराची से बोल रही है कौसर मेडिकोस पे चली जाएं, okay. उनसे कहें मुझे सिल्वर नाइट्रेट क्रीम दे दें, वो आपको दे देंगे। और वो जो है ना दूध वाले के पास जाएंगे गोट्स मिल्क। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए पेट की तोंद का इलाज क्या है, पेट की तोंद कैसे कम किया? डॉक्टर साहब ने डॉक्टर बी एस सिद्दीकी की कॉल आई है, वो कह रहे हैं जी मेरे पेट की तोंद ज्यादा नहीं है लेकिन कम कैसे की जा सकती है? बड़ा एक तो डॉक्टर साहब के लिए पहले मैं साहिर के प्रोग्राम के थ्रू ऐलान कर रहा हूँ कि बड़ी अच्छी जेल है और टैबलेट्स मैं खुद लेकर आऊंगा उनके लिए, पूरे 2 महीने का कोर्स है उनका, बहुत तोंद अंदर होगी कल ही इंशाल्लाह लेकर आऊंगा। अच्छा दूसरी बात ये कि एक बड़ा जबरदस्त पेट अगर आप कम करना चाहते हैं, पहली चीज ये कि एक ग्रेप फ्रूट सीड एक्सट्रैक्ट मिलता है आपको चाइनीज हर्बल स्टोर्स का है वो, okay. और हर मतलब परचून की दुकानों में मिलता है ग्रेप फ्रूट सीड एक्सट्रैक्ट। आपने क्या किया, 2 टैबलेट्स ली, उनको रात भर आपने एक अड़के गुलाब पीने वाले में डिप okay. किया, ठीक है, उसके साथ थोड़ा सा केवड़ा और उसके साथ ऐड किया बिल्कुल हिंट आपने ऐड किया बिल्कुल थोड़ा सा उसके अंदर ऐड किया आपने थोड़ा सा एलम, ठीक है इसको रात भर आपने जी हाँ बिल्कुल फिट की थोड़ी बिल्कुल हिंट एक छोटा सा जरा और इसको एब्जॉर्ब कर दिया, सुबह को आपने पूरा ग्लास आपने नहार मुंह पिया okay. बहुत तेज से आपकी टोन अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी और वजन भी आपका ग्रेजुअली कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा डॉक्टर आप कुछ बताना चाहते हैं? ये दो चीजें मैं बना रहा हूं, इसमें से सिर्फ हुस्न यूसुफ निकाल लीजिए, बाकी तमाम चीजें जिस जगह पर लगाएंगे ये फैटी एसिड्स को कम करती है, टोन भी कम हो जाएगी। वाओ वाओ ओके रुबाब का एक और मसला था, रुबाब के बाल जो थे जी, वो जी, बहुत रफ थे, रुबाब 2 चमचे आपने मेयोनीज, ठीक है 2 चमचे मेयोनीज, 2 चमचे फुल क्रीम खाने वाली, उसके साथ ऐड करेंगे जी 2 से 3 चमचे एलोवेरा जेल और 1 चमचा उसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटी में जोजोबा ऑयल भर के 4 चीजें आपने मिक्स की, फेटा और बालों में ब्रश से लगाया, ऊपर से शावर कैप पहन ली और जब आप नहाएंगी तो आप कोशिश करेंगे बेबी शैम्पू से बाल धोएं और कोई अच्छा सा सीरम SERUM सीरम लगाएं बालों में, आप देखें बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे जी। वाओ वाओ जबरदस्त 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 जबरदस्त। ये हमने 3 चमचे ये वाला पाउडर लिया और इसके अंदर क्योंकि जौ का आटा एडेड है, इस पाउडर में जौ का आटा एडेड नहीं है तो इसमें हम जौ का आटा जो है वो 3 टेबलस्पून ऐड कर रहे हैं और ये जनाब अली पाउडर तैयार हो गया है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सिरका, ओके सिरका ऐड करके हम इसको, सिरका जो है वो कोशिश कीजिए कि जितना बेहतर असली वाला मिल जाए उतना अच्छा है। अच्छा सिरका कोई भी हो सकता है, एप्पल का हो सकता है, एप्पल गन्ना जामुन, एप्पल गन्ना या जामुन, एप्पल गन्ना या जामुन, और ये जितना भी सिरका है अगर ये जामुन का इस्तेमाल किया जाए तो ये आमतौर पर हमारा शुगर लेवल जो है वो कम कर देता है। थोड़ा सा और डालना पड़ेगा आपको पेस्ट बनाने के लिए, इसलिए कि जो जामुन का सिरका होता है ये बुनियादी तौर पर शुगर कम करने के लिए, वैसे ही जामुन क्योंकि बेहतरीन दवा है, ओके तो इसलिए ये बहुत अच्छा। इसमें चूंकि हमने गोंद भी डाला हुआ है इसलिए अब ये एक मास की शक्ल इख्तियार कर लेगा, स्टिकी सा हो गया, थोड़ा सा और डाल दीजिए ताकि थोड़ा सा हम इसको प्रॉपरली वो कर सकें। देखो अब आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, अगर आप देख लें इसको इस किस्म का मुझे दिखाइएगा, एक सेकंड जरा आप मुझे थोड़ा सा टाइम। ये जो चीज़ है ये एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर गई है और इसको आप अपवर्ड मूवमेंट की तरह से अब लगा के दिखाएंगे, किसी को लगा सकते हैं, एनीबडी कोई वॉलंटियर है लगाना चाहेंगे? असल में देखिए बुनियादी तौर पर जो डबल चेन होती है इसके अंदर थोड़े थोड़े से फैटी एसिड्स की वजह से डेवलपमेंट आ जाती है, ठीक है। इसमें जो मैंने इस्तेमाल की जिंजर और मैंने इस्तेमाल की दालचीनी, इन दोनों का मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि वो उस जो डबल चेन में फैटी एसिड्स हैं उनको कम करती है, गोंद का मकसद बुनियादी तौर पर उसको स्टैकअप करना है और तीसरी बात यह कि क्योंकि ये फेस का मामला है तो फेस में कमें हमें एक ऐसी दवा चाहिए जो फेस के कलर को कंपैरेटिवली बेहतर कर दे, तो मैंने इसमें हुस्न यूसुफ। अच्छा हमारे पास एक वॉलंटियर, आप आइए आप जरा आइए, मैं और इनके लिए बहुत सारी तालियां जी, बहुत सारी तालियां, आ जाए 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 प्लीज, बिल्कुल हाथ लगा के मैं आपको हेल्प कर दूं, आप उतर जाएंगी। ऑलराइट आइए प्लीज आ जाइए, तशरीफ लाइए, इट्स ओके
आइए आइए शिव लाइए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। आपा आप लगाएंगी या आगा साहब आप लगाएंगे? बिल्कुल मैं लगाऊंगी। ये चाहेंगे? अच्छा ठीक है। ये अब आपने एक सेकंड आप मुझे जरा इनको इनसे बात कर लेने। आपका नाम क्या है? फौजिया। फौजिया आपका ये डबल चिन का प्रॉब्लम है? काफ़ी है, काफ़ी है। चाहती हैं कि सही हो जाए? 40 दिन का कोर्स है ये, 40 दिन लगाना पड़ेगा आपको। लगाऊंगा। अफोर्ड की तो बात ही नहीं है। मैंने तो आपको कहा है कि ये आगा साहब एब्सोल्युटली फ्री आपको देंगे 40 दिन के लिए। ठीक है, लगा सकती हैं? ओके जी, ओके। आप आ जरा थोड़ी जी। बिल्कुल मैं लेती हूँ, लगाती हूँ इनको। एक सेकेंड, आपकी पकड़ी और आई जी। अब ये लाइव डेमोंस्ट्रेशन जो है हम करने जा रहे हैं फौजिया पे। ये इस वक्त जो नहीं नहीं घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, इसमें कोई केमिकल नहीं है जिससे रिएक्शन हो सके। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जरा सा इंजेक्शन कैसे लगवाएंगे और इंजेक्शन लगवाने की एक नहीं है। नहीं मैं कह रहा हूं, अच्छा मैं नहीं जा रही, आप लगा जा रही हैं। बिल्कुल जी, मसरूफियत नहीं है। बस अब से थोड़ी देर के बाद ही हम इंजेक्शन लगाना शुरू करेंगे और सोच है आपकी जो कुछ होगा ये। There you go, there you go. इस तरह से ये अपर मूवमेंट होनी चाहिए। और ये कितनी देर लगाना है? सर 40 मिनट अगर लगाएं, मैं 40 का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, 40 दिन 40 मिनट। दूसरे हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि अभी आगा साहब ने कहा कि जिसकी टमी यानी टायर बना हुआ है वो भी इसको लगा सकते हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो है इसके अंदर क्योंकि ड्राइड जिंजर शामिल है तो ड्राइड जिंजर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बढ़ाकर खुद ब खुद इनकी फैटी एसिड्स को काम करेगी। दालचीनी का काम भी यही है। गोंद हमने इसलिए इजाफा की, ये स्टकअप हो जाए, रुक जाए यहाँ पर। और इसमें सिरके सिरका ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ों को बेहतर करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस घर में सिरका है उस घर में गुर्बत नहीं। लेकिन एक बात और है, यूं बैठना पड़ेगा। एक बात और है फौजिया बहन, एक बात और है, मुंह पे थोड़ा टेप भी लगाना है। हाँ 40 मिनट के लिए। ये ऐसा नहीं है कि आपने ये लगा के 40 मिनट बाद धोया और नारी पे शुरू हो गई। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा बहुत मतलब आपने टेप मेप लगा के रखना है, थोड़ा कम खाइए। अच्छा लाइट फूड भी खाना चाहिए। अच्छा जब वाइल देखिए आपको 5 मरतबा 3 मरतबा नहीं खाना, 6 मरतबा खाना और कम कम खाना है, आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा। और नाश्ता तो बहुत जरूरी है, आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है। अच्छा जिन्होंने टमी की बात की थी तो मैं आपको बताता हूँ कि टमी रिडक्शन किस तरह से की जाती है। बहुत सिंपल है, मैंने की है और मैंने इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हैं, तो सिंपल बता रहा हूँ। और ये कोई भी कर सकता है, घर में कर सकता है, 5 से 10 मिनट कर सकता है दीज डेज। और मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, दीज डेज आई एम नॉट इवन गेटिंग 5 मिनट्स, 5 मिनट भी मुझे नहीं मिल रहे हैं बिकॉज आई एम कंटिन्यूसली शूटिंग फॉर माई फिल्म, तो मुझे मुसलसल सिर्फ उसके लिए काम करना होता है। लेकिन आप घर में अगर हैं, नो मैटर वेयर यू आर, आपको अपने कपड़े भी तब्दील करने की जरूरत नहीं, आप अपने नाइट सूट के अंदर कर सकते हैं। और बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, इसको आप इस तरह से कीजिएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे हो सकता है। ये एक मिनट मैं ये निकाल के रख दूँ इधर। ये आपने टांगे ऐसे सीधी करी, दो तरह के तरीके आपने क्रंचेस करने हैं। आपने यूँ इस तरह से, ये तो बहुत अच्छा है, ये आपको बहुत ज़्यादा पूरा नहीं उठना है आपको, सिर्फ ये करना है, ये क्रंचेस हैं आपके। और ये अगर आप सिर्फ 10 मिनट करें, 20-20 के सेट्स, सिर्फ 10 मिनट, ये बहुत ज्यादा बहुत आसान। अच्छा दूसरा, लोअर एब्डोमेन पे इसका वजन पड़े, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो अपने दोनों पाँव को इस तरह से उठा ले, घुटनों को इस तरह से कर ले, और इसके बाद इससे भी कम उठना है। देयर यू गो। थोड़ी देर के बाद 3-4 मिनट के बाद आपको फील होगा कि आपके, और कोशिश कीजिएगा कि आपकी ये दोनों कोहनियाँ जो हैं ये अंदर की जानिब जाएँ, यूँ जाएँ पेट की जानिब, बिल्कुल इस तरह से। थोड़ी देर बाद आपको फील होगा कि आपकी यहाँ जो है और इस जगह एक बर्निंग सी सेंसेशन है। शुरू में 2-3 दिन आपके स्वेलिंग भी आ सकती है। उसका रीज़न ये है कि आपके मसल्स जो हैं वो टूटना शुरू करते हैं, जब वो टूटना शुरू करते हैं तो उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। एक और टेलीफोन कॉल है जी, लेट्स टेक दैट फर्स्ट, उसके बाद फिर हम ब्रेक पे चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मेरा नाम इकरा है जी। इकरा बोलिए, क्या कहना चाहती हैं जी? मुझे डॉक्टर खुर्रम से बात करनी है। नहीं बिल्कुल नहीं बात करनी, डॉक्टर साहब बोलिए जी। स्टार का हीरा कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम ठीक जी। पूछना था, मेरे चेहरे पे मोल्स बने हुए हैं, ब्लैक कलर के ना मोल्स बने हुए हैं। मैंने उनकी काफी इलाज करवाया है, काफी दवाई ली है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, डॉक्टर साहब बताएंगे, बालों के लिए बताएंगे, मोल्स के लिए बताएंगे। लेकिन एक ब्रेक लेना है, ब्रेक पे जाने से पहले कहना चाहता हूँ, कराची में पाकिस्तान में डाकुओं का बड़ा खतरा रहता है। अगर डाकू आ जाए तो रानी आपा से बात कीजिए। रानी आपा एक मोबाइल लिए घूमती हैं और
अगर आप चाहते हैं कि डाकू अपनी जान से जाएं तो रानी आपा का मोबाइल जो है वो खरीद लें और यूं करके खींच के मारें। आई प्रॉमिस यू, मेरे घर आ चुके हैं 29 अगस्त की रात को ले जा चुके। ये आधा कंप्यूटर है लिटरली, और ये इतना भारी है कि आम बच्चा इसे उठा भी नहीं सकता। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। ये मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं मुबशर लुकमान साहब, उनके लिए, बिकॉज वो ये कहते हैं कि मैं किशोर कुमार के गाने गाता हूँ, तो मुबशर भाई आप अपना शो चेंज नहीं करते, मैं अपने गाने चेंज नहीं करता। अगेन किशोर कुमार। तुझ बिन मेरे दिन बन जा रे, मेरा जीवन जलती धूनी बुझे बुझे मेरे सपने सारे, तेरे बिना मेरी मेरे बिना से गाना शुरू हो गया ना, इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग, वाह 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 वाह, भाई मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, वाह वाह ब्यूटीफुल, लॉन्ग लिव किशोर कुमार। Awesome,
ऐसा ये थोड़ी छेड़छाड़ चलती रहती है, वी लव मुबश्शिर लुकमान, सो इट्स ऑल गुड. आपको बहुत मतलब मुझे किसी ने भी बताया, मैंने सच में नहीं देखा था, बट एनीवे दिस इज फॉर यू, दिस वाज फॉर यू, सो एंजॉय दैट मुबश्शिर भाई. अच्छा एनीवेज डॉक्टर साहब तैयार हैं आप? जी सर बिल्कुल. ऑलराइट जी, हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल पहले एक तो रानी आपा है और एक हमारे पास कौन सी आपा है, तनवीर है, तनवीर तनवीर मिस तनवीर है ना. अब इनसे ना इनके हस्बैंड तनवीर घर आ गए आ गए तनवीर आप आते आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ओ माय सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी. टाइम हो गया आपके? कितना टाइम हो गया? कितने 16 साल हो गए. आई एम सॉरी, आई एम सॉरी टू हियर दैट, बट आप खुश है ना? कितने बच्चे हैं? 3. माशाल्लाह माशाल्लाह, चलिए चलिए ब्यूटीफुल, तनवीर आपा के लिए बहुत सारी तालियां. अच्छा डॉक्टर साहब करने के हवाले हैं, बताइए पहले तनवीर आपा का बताइए. जी पहले देखिए मैडम की बड़ा अच्छी स्किन है, मगर पूरा बड़ी खूबसूरत है, उसके अंदर एक बड़ा रोगन है, बड़ी चिकनी अच्छी खूबसूरत जल्द है, मगर ये क्या हुआ है कि थोड़ी से जो इनकी क्रोस फीट है, ये देखिए कव्वे बैठे हुए हैं. हाँ देखिए लिटरली कहते हैं क्रोस फीट, बिल्कुल भाई ये होता ना कि देखिए ये लगता है कव्वे जैसे बैठे हुए, उनके पांव बन जाते हैं. ओके क्रोस फीट, तो हम ये क्रोस फीट को बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर साहब ये इमीडिएट रिजल्ट होता है? फौरन होगा. अच्छा क्लोज कर लीजिएगा कैमरा थोड़ा सा, थोड़ा सा दिखाई, और दोनों पे करूंगा. अच्छा उनके उसके साथ में एक क्रीम दूंगा आपको, वो तकरीबन पूरी एक क्रीम खत्म करिएगा, क्रीम लगाइएगा और इंजेक्शन आपके लगाएंगे, कोई दर्द नहीं होगा, कोई आर्टिफिशियल लुक नहीं आएगा और आराम से आप ठीक है. ओके शुरू करते हैं. जी जी अच्छा देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया जी, इसके अंदर 3 चीजें हैं, विटामिन ई ठीक है, ठीक है वही अगेन सिल्वर नाइट्रेट okay. जो आपके जख्म होने से रोकता है, जख्म हो जाए okay. तो उनको भरता है ठीक है, और इसके अंदर है बहुत सारा लैक्टिक एसिड लोशन. अच्छा डॉक्टर साहब क्या ये सुन हो जाएगा इस वक्त? नहीं सुन नहीं होगा, सुन नहीं होगा, मगर उनको पता नहीं चलेगा बिल्कुल. अच्छा, बहुत माइल्ड तरीके से okay. क्योंकि हम एक बहुत ही लाइट सी सिरिंज से कि जिसको ये खूबी यही है कि पता ना चले बिल्कुल ठीक है ठीक है, और बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे और बिल्कुल टेक लगा ले तो और बहुत अच्छा है जी. थोड़ा सा ऊपर करके टेक लगा, थोड़ा ऊपर ऊपर हाँ. अब जैसा कि हम इनकी स्किन देख रहे हैं बहुत माशाल्लाह शाइनी और फ्रेश है, तो दुनिया की बेहतरीन स्किन ऑयली स्किन होती है. हाँ ऑयली स्किन होती है, कभी बूढ़ी नहीं होती जी. वाकई जी बिल्कुल, दुनिया की बेहतरीन. तो आप तेल में डुबो के चलक रहे नहीं, ऑयली स्किन जो है उसमें सीबम क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा होता है तो हमेशा स्किन जो फ्रेश होती है, और जिन लोगों के साथ अगर खुदा ना खास ओवर हो जाए तो बहुत आसान सा हल है कि अपने वॉशरूम में बादाम का तेल रखें, जब मुंह धोने के लिए जाएं पहले थोड़ा सा बादाम का तेल अपने चेहरे पे लगाएं, उनका चेहरा फ्रेश हो. बहुत ओके ओके ओके, आंखें बंद. अच्छा ये देख लीजिएगा जरा, देख लीजिएगा ये क्रोस फीट जो है वो खत्म किए जा रहे हैं. ये देखिए क्रोस फीट. अच्छा इससे एजिंग का भी ताल्लुक होता है? एजिंग का भी बिल्कुल. अच्छा एजिंग के अलावा क्या होता है कि अगर हम लोग तो लकीली एशियन स्किन है, एशियाई जिल्द है, हम लोग बहुत बचे रहते हैं, गोरे जो जिल्द होती है उसमें 18-19-20 में आना शुरू हो जाता है, सनबेदिंग भी करते हैं बहुत ज्यादा, बारीक स्किन होती है बिल्कुल. और अगर 3 बीमारियां, अगर खासतौर पर अगर आप टाइफाइड का बहुत शिकार रहे हैं. यार एक मुझे एक बात याद आ रही है, अनवर अनमकसूद साहब का एक शो था और उसमें एक अभी लगाइएगा नहीं, नहीं अभी आपने गोरों की बात की ना जी, अब थोड़े दिन के बाद गर्मी का मौसम आ जाएगा तो अनमकसूद साहब कहते हैं कि हमारे एक दोस्त थे वो समर्स के अंदर एलए चले गए, लॉस एंजलिस चले गए. मैंने वापसी में पूछा कि भाई क्या फैशन था वहाँ, कहने कुछ नहीं, लोग कुछ पहनते ही नहीं थे. अच्छा जी यही फैशन था? हाँ जी 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 बताइए. लगाया अब मैं शुरू करता हूँ. आंखें बंद रखिएगा, आंखें बंद रखिएगा प्लीज, वरना आंखों में लग जाएगा बिल्कुल. ओ वाओ, नहीं नहीं दर्द नहीं होता बिल्कुल, दर्द भी नहीं, मर्द के दर्द नहीं होता. अरे हंसाइए मत, हाँ डॉक्टर तो मर्द है, तनवीर आपा मर्द नहीं है. लग गया? Oh wow! Look at that! Look at that! Look at that! तकलीफ तो नहीं हो रही आपको? छोटी मोटी तकलीफ है. छोटी मोटी तकलीफ खैर है. ओके ओके ठीक है. पता है सुई है लेकिन kill me but make me beautiful. Wow! कोई बात नहीं, जब आप बैठेंगे फिर पूछेंगे आपसे. हल्का सा. वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कोई मसला नहीं कोई मसला नहीं. प्रेस कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए. आप घबराइए मत, आप घबराइए नहीं, मैं इजी हूं. अच्छा माशाल्लाह, वही मैंने कहा ना, वेरी नाइस वेरी वेरी नाइस. सही देखिए, अब ये तनवीर आपा के लिए ये बड़ी अच्छी क्रीम है. इसके अंदर क्या है, जो हमारी कॉलर थी उनके लिए भेजूंगा सर. ओके इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये देखिए सबसे पहले गोट्स मिल्क. ओके आप बैठिए जी. देखिए इसके अंदर है रेहान तुलसी वाले, मुझे रेहान तुलसी वाले ने सलाम बोला, तनवीर आपा ने पैगाम पहुंचाया, रेहान तुलसी वाले सलाम हो भाई.
अच्छा देखिए, अच्छा इसके अंदर है गोट्स मिल्क, ठीक है, कोलेजन इलास्टिन लोशन और डॉक्टर साहब थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई जी, अभी अभी जाएगी, अभी मैं जाएगी, अच्छा, क्योंकि हमने डाला है ना अंदर एक चीज, ओके फॉरेन बॉडी गई है, ये स्वेलिंग आई अभी जाएगी, ठीक है, ये मैंने क्रीम लगाई, रिजल्ट अभी आ जाएगा। अच्छा आपको तकलीफ हुई? नहीं, थोड़ी ऐसा लगता है हल्का सा होता है बस, लेकिन उसके अलावा नहीं, ओके okay, दोनों आंखों में भी हम थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे, दूसरे में भी आपके करके जाऊंगा, ऐसा नहीं, जबरदस्त 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 अभी वो जो आपको स्वेलिंग नजर आ रही है ना साहब जी, तो क्योंकि इंजेक्शन गया है तो जब उसको रब करेंगे तो आहिस्ता एब्जॉर्ब हो जाएगा, बस ये आदत ना डलवा लीजिएगा, हाँ कहीं आपको रोजाना खुरम को फोन करना पड़ेगा भाई आके मेरा मसाज तो करो। अरे नहीं नहीं, क्या कोई पैसे नहीं मांग रहे आपसे, बिल्कुल पैसे नहीं मांग रहे, पैसे नहीं मांग रहे, पैसे नहीं मांग रहे, बल्कि आप फिक्र ना करें, आज 10,000 खुरम दे के जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ना हाथ से छोड़ दे, नहीं नहीं आप लोग मेरी बात में यकीन क्यों नहीं करते, मैडम के वो उनकी भाई मॉडलिंग के पैसे हैं, हाँ मॉडलिंग के पैसे हैं, बिल्कुल जी, वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, अच्छा अब तुम लोगों को अफसोस हो रहा है ना, सबको अफसोस हो रहा, काश हम भी करवा लेते, एक आदमी कहे बहन छेद दो जहाँ छेदना है, वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, ओके ऑसम, अच्छा इसको करती रहेंगी आप तकरीबन 3 दिन तक आप क्रीम लगाएंगी लगातार, उसके बाद लगा सकती हैं आप, कोई हर्ज नहीं है, और से खुद ब खुद आपकी ये बिल्कुल जो लाइन है बिल्कुल, अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ भी लगेगा, अब यहाँ भी लगाते लगा देते हैं क्योंकि जी बिल्कुल बिल्कुल लगा दीजिए, बिल्कुल लगा दीजिए, अच्छा डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि क्रोस फीट को और किसी तरह से दूर किया जा सकता है? ये तो है ना, एक इंटरवेंशन की सर्जिकल यानी कि कोई चीज़ लगाई है जी, उसके अलावा प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन क्या है कि डॉक्टर साहब आप प्रिवेंशन को तो हम लेट्स नॉट टॉक अबाउट प्रिवेंशन, जो हमारी खवातीन हैं या मर्द जो हैं वो काफ़ी हद तक थोड़े से इग्नोरेंट ही होते हैं अपनी सेहत के मामले में, जिनके हो जाए क्रॉस फिट वो क्या करें, और अगर वो ये नहीं करवाना चाहते? देखें फ्रेंकली स्पीकिंग अगर जो क्रॉस फिट डेवलप कर ली हैं तो फिर ये करवाना पड़ेगा उनको, अच्छा, ऐसी कोई क्रीम्स ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है जो इनको मिटा दें, अच्छा ओके, वो जो कहते हैं कि बड़ी बड़ी महंगी महंगी क्रीम्स आती हैं वो कहते हैं कि जी क्रॉस फिट खत्म हो जाएंगे, गड्ढे जो है वो भर जाएंगे, वो गलत है, ये सब कुछ गलत है, ओके ओके ये करवाना, इस प्रोसीजर के बगैर ये गायब नहीं, अच्छा तो फिर प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन ये है कि सन प्रोटेक्शन है, ओके ठीक है ना, अच्छी क्लींसिंग है, ठीक है, मॉइस्चराइजेशन है, ओके, और यूवी प्रोटेक्शन, अच्छा क्या मॉइस्चराइजेशन से चेहरा जो है वो जवान रह सकता है? कहते हैं कि अगर आप चेहरे को अपने मॉइस्ट रखें या मॉइस्चराइज करते रहें तो चेहरे की जिल्द जो है वो आपकी एजिंग डिले हो जाती है, क्या इज इट ट्रू? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, जैसे कि अब मौसम के एतबार से हमें सर्दियों में ज्यादा नीड होती है मॉइस्चराइजेशन, ठीक है ठीक है, समर सीजन में हमारी जल्द जिन लोगों की ऑयली होती है उनको तो क्या ये कहना, क्या ये कहना दुरुस्त है कि ड्राई स्किन जो है वो जल्दी बूढ़ी होती है और ऑयली स्किन जो है वो देर से बूढ़ी होती है? ओके ओके, तो याद रखिए कि आपके पास जो भी आपका कोई भी एक मॉइस्चराइजिंग लोशन वो ले लें आप, और उसको सुबह और शाम जरूर अप्लाई करें ताकि आपका चेहरा जो है उसमें झुर्रियाँ ना आए, अपने हाथों पे अप्लाई करें, अपनी बॉडी पे अप्लाई करें, ये आपकी बॉडी है। अच्छा वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्रीम्स देर वेरी एक्सपेंसिव, समटाइम्स 700 800 1200 की होती है, और अगर वो घर में तमाम लोग लगा रहे हैं तो वो 3-4-5-6 दिन के बाद ख़त्म हो जाती है, तो हमारे मुल्क में इतना पैसा नहीं है लोगों के पास। नाउ डू टेल कि घर में ऐसा क्या बनाया जा सकता है? जी प्लीज़, नारियल का तेल 200 ml, नारियल का तेल 200 ml, जैतून का तेल 200 ml, बादाम का तेल 200 ml और 50 ml नीम का तेल, ठीक है, ये तीन चारों तेलों को बहुत अच्छी तरह मिला लीजिए और एज द मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कीजिए। इसमें मैंने एंटी फंगल भी दी है, सर्कुलेशन ब्लड को इंक्रीज करने के लिए दी है, और अगर इसका मॉइस्चराइज कर लिया जाए अपने चेहरे को तो कभी भी चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ेगी। वाओ, आपको सच्ची बताऊं भाई, आप तो जवान जवान हो गई हैं। वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। और ये क्रीम भी आप लगाएंगी रोजाना सोते वक्त अच्छी तरह आंखों के गिर्द पूरी अच्छी तरह से क्लॉकवाइज घड़ी की तरह, और आप देखिएगा बिल्कुल होगा, फिर हमें दोबारा बताइएगा, फिर करेंगे आपका 3 महीने बाद, ठीक है? कॉफी पिए आराम से बैठ के, इत्मीनान से कॉफी पिए, और कब वापस देके जाइएगा? अच्छा जी एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट, उसके बाद रानी आपा पे ये जो है होने जा रहा, रानी आपा की गर्दन जो है वो बेहतर बनाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम,
जी आपका नाम? मेरा नाम रूबीना, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। आप और जितने आपके मेहमान आते हैं सब बहुत माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बताते हैं ट्रीटमेंट्स। और मुझे दरअसल डॉक्टर साहब हकीम साहब ने जो अभी डबल चिन का बताया है वो चाहिए मुझे आपसे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप आपका नाम रूबीना है ना, कराची में रहती हैं आप? जी जी बिल्कुल। जी जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आगा साहब को अपना हम आपका नंबर दे देंगे, नंबर लिखवा दीजिएगा, आगा साहब को नंबर दे देंगे और आगा साहब आपको 40 दिन की सप्लाई जो है वो फराहम कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। एक और टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मिसेज अली बात कर रही हूँ। मिसेज अली कैसी हैं आप, तबीयत ठीक है? जी बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। मैं सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ आपके शो पर, और आपके शो से काफी मालूमात हासिल करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छे अच्छे मेहमान बुलाते हैं और मैं आपके शो में आना चाहती हूँ और रमजान के पास भी चाहती हूँ मैं। आप जरूर जरूर आ जाइए, जीत के समा के पासिस भी हम आपको दे रहे हैं, आप हमारे शो पे भी आ जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने, थैंक यू सो मच। जी पूरा जी सर, अच्छा जी आप तैयार हैं? बिल्कुल, एक हसीन दलेर और निडर खातून का ये सर्जरी होने जा रही है। ये अब जिगर थाम के जिगर की नहीं, जिगर नहीं है जी, क्या कह रहे हैं? जिगर नहीं थामना। कुछ कह रहे हैं? हेलो, कुछ कह रहे हैं अली आप? बड़ा अच्छा है फिलर, आप फिलर मैं डॉक्टर साहब का असिस्टेंट मैं डॉक्टर साहब का असिस्टेंट, मुझे खवातीन पे तशद्दुद करना वैसे बड़ा अच्छा लगता है। जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग, मायने की जगह मजाक है। अच्छा जी, अच्छा लेकिन आपको ऑनेस्टली जरूरत तो नहीं है? हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है तो इसलिए हमको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। 11 बज गए तकरीबन, हाँ जी 11 बज गए, शो खत्म जल्दी टाइम। हाँ जी, ओ वाओ, डॉक्टर साहब ने आपा तकलीफ तो नहीं हो रही? बहुत बहुत हो रहे हैं। वेरी वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। नहीं, हर औरत बहादुर होती है, जितनी तकलीफ वो बर्दाश्त कर सकती है मर्द नहीं कर सकते। कोई शक नहीं इसमें, कोई शक नहीं, और ये दोनों सूरत हैं, जितनी तकलीफ वो दे सकती है मर्द नहीं दे सकती। ये भी बिल्कुल सही है। तो भाई भाई कूल जी, वैसे बात ये है कि दूसरी बात की तस्दीक डॉक्टर खुर्रम ने जरा जोर से की है। नहीं अच्छा, हंसाई नहीं, हंसाई नहीं, बड़ा बड़ा सीरियस काम हो रहा है। डॉक्टर साहब का इशू इधर उधर हुई ना, हो गया क्या? नहीं एक और, एक और है जी, एक और है। अच्छा एक छोटी सी बात आप लोग नोट कीजिएगा, डॉक्टर साहब ने जब इंजेक्शन लगाया तो वापस जाके उसकी इंजेक्शन की जो नीडल थी उसको टेढ़ा कर दिया। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत हालांकि बहुत छोटी सी है लेकिन हमारे मुल्क में हेपेटाइटिस सी फैलने की शायद सबसे बड़ी वजह यही है कि सुई तोड़ने का रिवाज हमारे यहाँ। जी बिल्कुल, ओ वाह। अच्छा एक बात है, गर्दन में वाकई इमीडिएट तब्दीलियाँ आ रही हैं। अभी देखें बिल्कुल, हाँ इमीडिएटली तब्दील, मतलब आपकी जो लाइन्स थी, जो फाइन लाइन्स इधर आई हुई थी वो सब की सब निकल रही हैं। क्या पता आपको मैं कितने अंदर के बदले निकाल रहा हूँ। कई साल के बदले हैं सब के ये। जी जी। एक के बाद एक, इसलिए दो भर के लाया था। एक मिनट है, कह रहे हैं इसलिए दो भर के लाया था कि पूरे बदले ले सकूं आपसे हंसते हुए। मगर रानी वाजी ने, मगर अफसोस क्यों हो रहा है यहाँ पर के लिए बहुत सारे आ गया। हाँ। मगर अफसोस क्यों हो रहा है कि रानी वाजी ने, अरे लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हाँ, एंड नो स्वेलिंग, नथिंग, नो स्वेलिंग अभी आपका, मुझे जाना, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप हमारे शोज को देखते हैं, पसंद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जो भी बात करते हैं वो मजाक के अंसर में होती है। आई रियली होप एंड प्रे कि आपको आप उसको उसी अंदाज में लेते हैं। हमारी सुबह आपके साथ होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, आई होप कि आपको भी बहुत अच्छा लगे। छोटा सा एक ब्रेक है, कल मिलेंगे आपसे, और याद रखिए कुछ बहुत खास आने वाला है हमारे चैनल पे, बहुत ज़्यादा खास, शादी से मुताल्लिक कुछ बहुत ही खास आने वाला है, आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आप और मैं कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।